में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो एससी और एसटी को दिया गया है। और एससी एसटी का क्या रिजर्वेशन का है, सीटों की संख्या पहले पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे कि ये आरक्षण जो दिया गया है वो किसको किसको दिया गया है। तो पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं, इसमें दो आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे। पहला आर्टिकल जो होगा अनुच्छेद नंबर 330, ये जो 330 अनुच्छेद नंबर है वो लोकसभा में एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स अर्थात अनुसूचित जनजाति के सीटों की संख्या को निर्धारित करता है। अब हम देखते हैं कि लोकसभा में एससी का कुल कितना अभी वर्तमान में है, सदस्य हैं, तो वो रिजर्व्ड सीट की संख्या है इनकी 84। ये किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, एसटी के लिए वो है 47। इस पे दो तरह के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहला कि अनुसूचित जाति के कुल कितने लोग लोकसभा में हैं या आरक्षित सीटें उनके लिए कितनी हैं, तो हमारा होगा राइट ऑप्शन 84। लेकिन यदि ये पूछे कि एसटी कास्ट के कुल कितने लोग जो हैं लोकसभा में हैं, तो वो है 47, यानी 47 मेंबर जो है वो रिजर्व्ड हैं लोकसभा के। ये तो दोनों मिलकर के कितने हो गए, एससी और एसटी दोनों मिलकर के 131, अर्थात 131 सदस्य जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति से लिए गए हैं, ये आरक्षित सीटों की संख्या है उनकी। अब ये रहा आर्टिकल नंबर 30। अब एक बात और भी पढ़ लेते हैं, आर्टिकल नंबर 334। अब आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 334 जो है इसमें भी संशोधन किया गया, और संशोधन करके वो संशोधन नंबर जान लेते हैं। वो संशोधन नंबर था 95वां संविधान संशोधन, 95 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2009 में, 2009 में हुआ। और इसमें क्या किया गया कि ये जो आरक्षित सीट है जैसे 84 है और 47 है एसटी के लिए, तो इनमें किसी भी तरह का परिवर्तन जो है वो 2020 तक रोक दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 95वां संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ उसमें ये कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के लिए जो लोकसभा में आरक्षित सीट है उसमें 2020 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये पूछ सकता है कि जो परिवर्तन पे ब्रेक लगाया गया चेंजिंग पे, वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 334 हो जाएगा। और यदि ये पूछेगा कि से अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के जो सीट है लोकसभा में उसमें कब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो 2020 तक। और इसके लिए आप अमेंडमेंट नंबर ध्यान रखिएगा, 95वां संविधान संशोधन 2009। ये रहा हमारा आरक्षण। अब आरक्षण लोकसभा से रिलेटेड पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आरक्षण के बाद हम आते हैं लोकसभा के टेन्योर के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात इसे टर्म भी बोला जाता है कि कार्यकाल संविधान में कितने वर्ष तक फिक्स की गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करे या मंत्री की बात करे या फिर सांसद की बात करे। एक सांसद ही जो है मंत्री भी होता है और वो प्रधानमंत्री भी होता है। हम बताएंगे जब प्रधानमंत्री चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाएंगे मंत्रिपरिषद, तो कि किस तरह से सांसद जो है मंत्री बनाए जाते हैं और किस तरह से उसी सांसद में से एक जो है प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, इसके लिए संविधान में हमारी क्या प्रोसीजर दिया गया है। अभी देखते हैं कार्यकाल जो होता है सांसदों का, मंत्री का या फिर प्रधानमंत्री कह ले, इन सब का कार्यकाल फिक्स किया गया है 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होना चाहिए। ये रही हमारी टर्म की बातें, इसे टर्म कहते हैं इंग्लिश में।
या टेन्योर बोल सकते हैं आप। अब आते हैं, ये तो रही कार्यकाल की बातें, लेकिन इस कार्यकाल में एक और भी प्रोविजन किया गया है। वो कार्यकाल में प्रोविजन ये है कि विशेष परिस्थितियों में, जैसे नेशनल इमरजेंसी लग जाए, इमरजेंसी आपातकाल लगने के बाद, ये जो कार्यकाल होता है सरकार का, गवर्नमेंट का, वो 5 साल से बढ़ा करके अधिकतम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, अर्थात 6 वर्ष तक किया जा सकता है। पहली बार जो है 1971 में जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी जो है चुनाव जीत करके आई थी, लेकिन 1975 में आपातकाल लग गई थी, राष्ट्रीय आपातकाल, और इसके कारण 5 साल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं कराया गया। इसलिए जो है उस समय 6 वर्ष पे चुनाव कराए गए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ईयर था जिसमें 6 वर्षों तक लोकसभा का कार्यकाल चला था। तो वो आपका होगा 1971 to 1976। ये जो है कितना हो गया, 6 साल लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थितियों में जो है अधिकतम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब ये तो रहा कार्यकाल से रिलेटेड। अब हम योग्यता के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अर्थात लोकसभा का मेंबर जो है वो कौन कौन से लोग बन सकते, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। योग्यता के लिए सिंपल ये कहा गया है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, इसका सॉरी सिटीजन ऑफ इंडिया अर्थात वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके लिए विदेशी नागरिक कोई भी हमारे लोकसभा की सदस्यता को ग्रहण नहीं कर सकता। तो पहला क्या है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरा नंबर पे क्या बता रहा है कि उसकी एज जो है वो 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट मोर लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है लेकिन 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है वो ये है कि उस पे किसी भी न्यायालय के द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर हाई कोर्ट की बात करें, किसी तरह का वो आरोप सिद्ध नहीं होना चाहिए, यानी एलिगेशन प्रूव्ड नहीं होना चाहिए। देखिए आरोप लगाना अलग बातें हैं, ऐसे बहुत सारे देश में सांसद है, लगभग 27% ऐसे लोकसभा में अभी सांसद सदस्य है जिसपे अनेक किस्म के आरोप है, चाहे वो करप्शन की बात की जाए या फिर क्राइम की बात कर ली जाए, और वो आरोप चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो संसद में सदस्य है। अब हम देखते हैं कि ये संसद के जो सदस्य हैं, आरोप सिद्ध हो जाना अलग बात है और आरोप चलना अलग बात है। तो जो एलिगेशन प्रूव्ड जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में एलिगेशन अर्थात आरोप जो है वो सिद्ध नहीं होना चाहिए। यदि आरोपी सिद्ध कर दिया गया है तब आप इलेक्शन जो है इसका फाइट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और आगे संसद द्वारा निर्धारित, जो पार्लियामेंट के द्वारा ये तय किया गया है, उस नियमों का पालन करता हो, अर्थात 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत वो आता हो, तो वो जो है क्या हमारे संसद का, लोकसभा का मेंबर बन सकता है। एक और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये जान लेते हैं, कोई भी संसद का सदस्य बनने के लिए देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र से, उसका जो है किसी भी संसदीय क्षेत्र में उनके वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है। यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। जैसे यदि हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी अभी बनारस से सांसद चुने गए, जबकि वो किस पार्लियामेंट में, बड़ौदा में उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो बड़ौदा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहां से लड़े, बनारस से लड़े। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र
में उसका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन वो किसी भी संसदीय, दूसरे किसी संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये रहा हमारा लोकसभा के प्रोसीजर। हाँ, एक जो है आर्टिकल नंबर हम 102 की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 102 में ये बताया गया है कि उसकी अयोग्यता क्या होनी चाहिए, यानी किस आधार पे वो जो है लोकसभा का सांसद नहीं बनाया जा सकता। तो अनसाउंड माइंड के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि वो सांसद सदस्य जो है दिवालिएपन का शिकार ना हो। तो दिवालिएपन के शिकार जो भी है, वो सदस्य, सांसद सदस्य नहीं चुना जा सकता। एक ये है। दूसरा ये है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का बारे का मतलब होता है कि दल बदल कानून। अब ये दल बदल कानून का मतलब क्या होता है, ये 52 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 52वां संविधान संशोधन 1986 में लाया गया, और इसमें ये प्रोविजन किया गया कि जो हमारा दल बदल कानून है, यदि कोई, जैसे कोई लोकसभा का मेंबर है या फिर राज्यसभा का मेंबर है, तो लोकसभा का जो हेड होता है उसे लोकसभा का स्पीकर बोला जाता है, जिससे भी सुमित्रा महाजन जी है, और जो राज्यसभा का हेड होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन बोला जाता है। जैसे हमारे उपराष्ट्रपति साहब जो हैं वो सभापति राज्यसभा के होते हैं, तो उपराष्ट्रपति अभी कौन है, वेंकैया नायडू है। तो वेंकैया नायडू जी हमारे क्या है, राज्यसभा का चेयरमैन है। अब राज्यसभा का कोई मेंबर है या लोकसभा का मेंबर है, यदि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में, तीसरे पार्टी से फिर चौथे पार्टी में, ऐसे बार बार जो है वो बदल रहा है, यानी दो से अधिक बार, तीन बार चार बार वो पार्टी चेंज कर रहा है, तो ऐसी स्थितियों में लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष को यह राइट दिया गया कि वह लोकसभा के सदस्यता से उसे जो है मुक्त कर दे, उसे पूरी तरह से हटा दे। और मान लीजिए यदि वो राज्यसभा का मेंबर है, राज्यसभा का कोई सदस्य है, और ये ऐसी अभद्रता करता है, बार बार पार्टी को चेंज कर रहा है, तो उसमें राज्यसभा के चेयरमैन को यह दंडित करने का अधिकार है कि राज्यसभा की सदस्यता को खारिज कर दे, कैंसिल कर दे। अच्छा, न केवल जो है ये लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन को ये राइट दिया गया, बल्कि ये भी राइट दिया गया कि ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, निर्वाचन आयोग में। जहां तक निर्वाचन आयोग की बात करें, तो निर्वाचन आयोग में जब ये कंप्लेन चला जाएगा, तो ये निर्वाचन आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन सांसद सदस्यों को दंड के स्वरूप में वो 2 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए या फिर 2 महीने के लिए, कितने दिन के लिए जो है चुनाव लड़ने पर उसका ब्रेक लगा सकता है, ये दंड स्वरूप दिया जाता है। तो ये दल बदल कानून का यदि दोषी हो, ठीक है, ये भी एक अयोग्यता हुई। अब आते हैं, हालांकि ये ध्यान में रखिएगा कि ऑन साउंड माइंड ही जो है दिवालिएपन का शिकार होना ही अयोग्यता का प्रतीक जो है वो आर्टिकल 102 में दिया गया है। आर्टिकल 102 में हमारा दल बदल कानून नहीं आता। अब हम चलते हैं, 2 अमेंडमेंट और भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे जान लेना जरूरी है। वो है, एक है 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात 42वां संविधान संशोधन, और एक है 84 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 84वां संविधान संशोधन। ये क्या है समझ लेते हैं। जो हमारे सांसद सदस्य हैं वो कहां से चुने जाते हैं, मैंने बताया था, इसे पहले ही जिक्र किया था, प्रत्येक एक संसदीय क्षेत्र से जो है एक सांसद सदस्य चुन करके लोकसभा में जाते हैं। तो अब ये लोकसभा में इसके संसदीय क्षेत्रों का बंटवारा कौन किया था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो एक आयोग इसके लिए बनाया गया था, जिसका नाम है परिसीमन आयोग, परिसीमन कमीशन। और ये जो परिसीमन कमीशन बनाया गया था वो 1971 में बनाया गया था, इन्होंने रिपोर्ट 1972 तक दे दिया था।
ये इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, इसमें देश के संसदीय क्षेत्रों का बंटवारा हुआ, तो जो टोटल संसदीय क्षेत्रों का बंटवारा हुआ वो था 543। और मैंने बताया था आप लोगों को कि लोकसभा में जो हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं इलेक्टेड मेंबर, वो भी 543 ही होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 545। अब ये 543 तो ऐसे भी इस पे क्वेश्चन बना सकता है कि हमारे देश में कुल संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है, आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 543। ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस तरह से कि ये संसदीय क्षेत्रों का बंटवारा किस आयोग ने किया था, चार आयोग का नाम दे देगा, वित्त आयोग दे देगा, निर्वाचन आयोग दे देगा, है ना, संघ लोक सेवा आयोग दे देगा यूपीएससी के बारे में, और ये भी दे देगा परिसीमन आयोग। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, परिसीमन आयोग। परिसीमन जी जो है खुद एक आईएएस अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये कमेटी गठित की गई थी। तो ये रहा परिसीमन आयोग ने 543 संसदीय क्षेत्रों में